हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इस समय टैमकॉक गार्डन होमस्टे। इट्स माय सेकंड डे इन निनबिन और आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं निनबिन। एंड जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक दिन तो मैं रेस्ट करूंगा, तो कल मैंने रेस्ट किया और सिटी टूर किया। एंड आज मैं निकल रहा हूं यहां से निनबिन के लिए। सो आज तीन जगह है जो मैं आज एक्सप्लोर करूंगा। फर्स्ट है मुआ केव, सेकेंड है बिनदिन पगौड़ा एंड थर्ड है ट्रैंगन। ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करूंगा। अभी मैं हूँ हॉस्टल में, हॉस्टल का टूर मैंने कल आपको दिया ही था। एंड मैंने स्कूटी रेंट पे कर ली है। जो स्कूटी पड़ी मुझे एक दिन के लिए, वो पड़ी 1,20,000 वियतनामीज डोंग, अराउंड 400 रुपये। एंड अभी पेट्रोल डलवाना है इसमें एंड फिर ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर डायरेक्टली मैं सोचा हूँ लंच करूँ, ऑलरेडी टाइम हो गया है। सो दिस इज़ माई स्कूटी। बहुत अच्छी तो नहीं है ये वाली स्कूटी जैसे मैंने हाजांग लूप में चलाई थी, बट ठीक है, एक दिन के लिए चाहिए और सुबह से शाम तक ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 400 रुपये मैं इनको पे कर रहा हूँ। और हॉस्टल का जो चार्ज होगा वो मैंने कल आपको बताया था कल वाले व्लॉग में। तो जितने लोगों ने पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है निनबिन का, जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए। बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं 3-4 सालों से, सो जाकर देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और एक्सप्लोर करते हैं निनबिन। लेट्स गो। तो फाइनली आई अराइव मुआ केव और आई थिंक स्टेयर से वहाँ तक जाना है मुझे। How much? सो टिकट ले लिया है। टिकट पड़ा मुझे 1 लाख का, 100। एंड अगर इसको आप वियतनामीज में देखेंगे, आई मीन INR में देखेंगे, तो अराउंड 330 रुपये समथिंग, 350 रुपये। सो ये सिर्फ मुआ केव एक्सप्लोर करने का है। मुझे 3 वीक हो गए हैं वियतनाम में। एंड आप मेरे एक्सपीरियंस अगर बात करेंगे, सो वियतनाम इतना भी चीप नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी साइट सीइंग की जगह है ना, अगर इंडिया में आप देखें, इंडिया हमें मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी चीपेस्ट कंट्री है। अगर आप एज अ बैकपैकर ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इंडिया बेस्ट है। मतलब 3 साल से मैं घूम रहा हूँ और मुझे जब मैं वियतनाम आया तो बहुत से लोग, जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं और भी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं वियतनाम बहुत चीप है। हाँ, मान सकते हैं एज अ इंटरनेशनल ट्रैवल चीप है, बट इतना भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए, साइट सीइंग के लिए मैं एक साइट सीइंग के लिए 350 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, प्लस फूड के लिए यहाँ मिनिमम मुझे 100 से 150 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ता है 1 टाइम के लिए, वो भी ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। मतलब जो अगर मैं थोड़ा, ये सिर्फ मैं बानवी की बात कर रहा हूँ, जो 80 से 90 रुपये मैं स्पेंड करता हूँ, बट अगर मैं प्रॉपर मील की बात करूँ तो उसके लिए मुझे 300 रुपये स्पेंड करने पड़ते हैं। सो यार, इतना भी सस्ता नहीं है एज अ बैकपैकर्स, बट फॉर लग्जरी ट्रैवल सस्ता है। बट स्टिल एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ये प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये सोच के आते हैं कि वियतनाम बहुत चीप है, तो ऐसा नहीं है भाई, कि इतना भी चीप नहीं है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक नॉर्मल ताजमहल भी देखने जाते हैं, उसका भी टिकट आई गेस 200 रुपये है। सो स्टिल वो 7 वंडर्स में आता है। सो मुआ केव्स का ये रूट है, आई गेस 400-500 स्टेयर्स में चढ़ना है। अभी जस्ट आई गेस मैं 50-60 स्टेयर्स चढ़ाऊंगा और ये व्यू है।
मुझे ऐसा लगता है कि मुआ केव्स के लिए मुझे तो काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मैं प्लान था मेरा कि सुबह आऊँ। ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि मैं 5-6 दिन से मेरी स्लीप अच्छे से नहीं हुई थी, तो कल मैं जब सोया तो आज मैं उठा 10:30 बजे, तो सनराइज़ का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। बट अब सनसेट के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे पगोड़ा भी विज़िट करना है। सो मैंने सोचा कि डे टाइम में ही इसको विज़िट करते हैं, एंड मेरे हॉस्टल से सबसे नियरेस्ट यही था मुआ केव्स, 3 किलोमीटर, मैं यहीं आ गया। Just nothing else. Yeah, that's what I'm saying. That's it. Nothing else. Guys, finally visit कर लिया है मुआ केव्स, and अब यहाँ से जा रहे हैं बिंदिन पगोड़ा, and सो लेट्स गो। और टोटल टाइम जो लगा विजिट करने में 1 आवर लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। सो लेट्स गो। लेट्स गो भाई। Back side. सो जो टिकट कॉस्ट पड़ा वो पड़ा हमें 150, बस लाइक 1,50,000, एंड इसमें हमें मिला है ये इलेक्ट्रिक कार एंड सम पॉइंट्स हैं टोटल। आई शो सम पॉइंट्स लाइक दिस 2, 7, 12, 14, 17, दीज आर द पॉइंट्स।